7.3 पादप उतकों का अवलोकन। इन क्रियाकलापों को करने के दौरान आप चित्र 7 की मदद लें। क्रियाकलाप 4 7.3.1 त्वचीय उतक डर्मल टिश्यूज। पौधों में त्वचीय उतक का अवलोकन करने के लिए हम ये क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें रियो की पत्ती, सूक्ष्मदर्शी, कवर स्लिप, स्लाइड आदि की आवश्यकता होगी। रियो की पत्ती को दबाव लगाकर इस तरह तोड़ें कि पत्ती की निचली सतह की झिल्ली अलग निकल आए। इस झिल्ली को स्लाइड पर रखें और एक बूंद पानी डालकर कवर स्लिप से ढक दें। इसका सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करें और इसका चित्र अपनी कॉपी में बनाएं। अवलोकन के लिए आप चित्र 10 की मदद ले सकते हैं। अपने अवलोकनों में कोशिकाओं की व्यवस्था और संरचना के बारे में विस्तार से लिखें। क्या आपको क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं दिखाई दी? दिए गए चित्र की मदद से बताएं कि इन्हें क्या कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी में जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, वे पौधों की सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा या त्वचीय उतक है। जंतुओं की त्वचा की तरह इसका भी प्रमुख कार्य रक्षा करना है, अतः इसकी कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती हैं, जैसा कि आपने अपने अवलोकन में भी देखा होगा। इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होते। प्रायः शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों को यह सूखने से बचाती है। जलीय पौधों में मोम जैसी प्रतिरोधी सतह बनाती हैं। स्लाइड में आपको कोशिकाओं से अलग अन्य प्रकार की रचनाएं भी दिखाई दी होंगी। इन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे होती हैं। ये रक्षी कोशिकाएं कहलाती हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से हवा का आदान प्रदान करने के लिए सहायक हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का पौधों से निकलना की क्रिया भी रंध्रों के द्वारा होती है। निर्देश: इस क्रियाकलाप के लिए आप अन्य मांसल पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में अधिक स्पष्ट अवलोकन के लिए पत्ती की झिल्ली को लाल स्याही, आलता या सेफ्रेनिन से अभिरंजित करना पड़ेगा।